चार दिन हुए होंगे और हमारे सीएस आए, कोई मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा फाइलों का ढेर लेकर के आए होंगे, इससे भी ज्यादा 15-20 किलो वेट होगा। प्यून आकर के मेरे टेबल पर रखा, फिर वो सीएस हमारे बैठे, सीएस बैठे, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे फाइल दी, साहब ये नर्मदा की फाइल है, ये मुझे भूल गए, नर्मदा तो मुझे याद है, बाकी तीन फाइल थी। बोले राज्य की सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए ताकि कभी भी आपको इन चीज़ों पर पोजीशन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको सारे इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही उसकी हाइट देख रहा था फाइल की, तीन बार चार बार वह, मैंने कहा भाई अब रखिए, लेकिन दो चार दिन के बाद अपन मिलेंगे। मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया, अच्छा वहीं रही। मेरे मन से आवाज उठी कि ये मैं ऐसे कोई एकेडमिक स्टडी करके सरकार नहीं चला सकता, आई कांट डू दैट, ये मेरे मन में से आवाज उठी। मेरे अफसरों जो तीन अफसर थे, मैंने कहा मुझे सीएस साहब दे गए हैं, मैं तो कोई इतना पढ़ नहीं पाऊंगा इतना, बट आई एम टोल्ड आपको बहुत पढ़ने की आदत है, कोई भी आपके सामने कागज लाता है कोई कुछ। मैं बताता हूँ ना, तो उस समय की घटना बताता हूँ, भाई ऐसे तो मैं कोई पढ़ नहीं पाऊंगा, पहले आप लोग मुझे इसका समझाइए आखिर के ये मसाला है क्या, मुझे कहाँ से शुरू करना, क्या करना, मैं ऐसे ही कागज देखता जाऊंगा तो मेरे बस का रोल नहीं है, और फाइल नाम की चीज पढ़ना ये तो मेरी बोरिंग भी प्रकृति में ही नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं, मैंने उसको छुआ नहीं, बिल्कुल नहीं छुआ। तीन चार दिन के बाद सी एस आए, मैंने कहा फाइल में मुख्य बातें क्या है जरा मुझे बता दीजिएगा, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा मेरे लिए इतना काफ़ी है।